डाक विभाग में कार्यरत ग्रामीण डाक सेवकों ने लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा न किए जाने के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। मुख्य डाकघर कार्यालय के बाहर ग्रामीण डाक सेवक मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए हैं। ग्रामीण डाक सेवक संघ के अध्यक्ष जगदेव चौधरी ने बताया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हड़ताल जारी रहेगी। डाक सेवकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वित्त मंत्री से लेकर पीएम मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए। गौरतलब है कि ग्रामीण डाक सेवकों की मुख्य मांगों में GDS कमेटी रिपोर्ट को 1 जनवरी 2016 से लागू करने, ग्रेजुएटी की सीमा को बढ़ाने, 12, 24, 36 साल के सेवाकाल के बाद GDS कर्मचारियों को अतिरिक्त सालाना वेतन वृद्धि देने के साथ साथ शाखा डाकघरों और GDS को 8 घंटे का काम देने की मांग की। साथ ही GDS को सरकारी कर्मचारी का दर्जा जल्द दिया जाए। ग्रामीण डाक सेवक संघ जगदेव चौधरी ने बताया कि दिनों दिन काम का बोझ बढ़ता जा रहा है लेकिन आज दिन तक उचित वेतन नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि GDS कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा रहा है जिस कारण हजारों डाक सेवकों ने अब अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने सरकार को चेताया है कि अगर जल्द मांगों को नहीं माना जाता है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पहले जो स्ट्राइक हुई उसमें भी लागू नहीं किया, आश्वासन ही दिया गया, तो उसके ऊपर जो हमारी जो मांग पत्र है और GDS की रिपोर्ट जो है वो कमलेश चंद्रा की कमेटी की रिपोर्ट जो है वो उसको पूरी की पूरी को लागू करवाने के लिए स्ट्राइक हुआ। और सरकार ने जो हमें आश्वासन दिया था उसके ऊपर सरकार भी अच्छी नहीं उतरी पाई है, तो उसके लिए साथ में ये हमारे ऊपर जो काम का बोझ है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अभी CSI हुआ है उसमें तो ऑल ओवर काम जो है हमारी जो डिवाइसें दी हुई हैं उन्होंने उसके ऊपर है, और हम सभी यही चाह रहे हैं हमारा मांग जो है कि 8 घंटे काम हो हमारा और उसका उचित वेतन दिया जाए, जबकि 10-12 हज़ार 70-80 हज़ार रुपये लेने वाला बाबू जो है वो जो काम वो कर रहे हैं वही काम हम कर रहे हैं। मैं सरकार से भी और निवेदन करूंगा कि वो हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी मांगने की कृपा करें। यह हड़ताल जो है अनिश्चितकालीन स्ट्राइक है, अगर सरकार नहीं झुकती है तो ये स्ट्राइक जो कंटिन्यू रहेगी, और धरना प्रदर्शन तो हम शहर में भी निकालेंगे, रैलियाँ निकालेंगे अगर सरकार ने एक दो दिन में डिसीजन नहीं लिया।